जिला मंडी में आज हमने हमारा जो कर्फ्यू ऑर्डर है 144 के अंतर्गत उसमें मॉडिफिकेशन की है, जिसमें हमारे बार्बर्स और बाकी इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अब छूट प्रदान की गई है, वो अपना कार्य अब शुरू कर सकते हैं। कर्फ्यू रिलैक्सेशन का जो पीरियड है उस पीरियड में वो अपना कार्य कर सकते हैं, जिसमें उनके लिए कुछ शर्तें भी रखी है कि एक सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कर ले अपनी दुकान का, सैनिटाइजर वहां पर रखे ताकि कोई भी व्यक्ति आए वो उसके साथ ही हाथ धो के उसके बाद ही वहां पर बैठे, मास्क पहनना अनिवार्य है दोनों लोगों के लिए, और इस तरह की और भी शर्तें रखी है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए, चाहे वो नहीं है उसके बचाव के लिए और जो ग्राहक आ रहा है उसके बचाव के लिए भी ये चीजें वहां पर कुछ हमने कंडीशंस के साथ उनको अनुमति दी है ताकि वो अपना कार्य कर सके। इस विषय में जो एक मुख्य चीज सामने आ रही है कि हमने कहा है कि जो एप्रन का इस्तेमाल होता है कटिंग के दौरान उस एप्रन को रीयूज ना किया जाए, तो डिस्पोजेबल एप्रन के लिए हमने आदेश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति कटिंग करेगा वो डिस्पोजेबल एप्रन वहां पर यूज कर लेगा। मेरे लोगों से अपील है कि अपने सुरक्षा के लिए अगर आप अपने साथ ही टॉवेल और इस तरह से कपड़े आपके साथ ही लाएं कटिंग के दौरान तो वो बेटर रहेगा, हर व्यक्ति अपने जो ग्राहक आ रहा है वो अपने साथ ये चीजें लाए, अपनी कटिंग करे और अपने साथ वो चीजें ले जाए, ताकि जो बार्बर्स है उनके लिए भी थोड़ी आसानी होगी और जो व्यक्ति जा रहा है वो भी अपनी सेफ्टी के साथ वहां पर कटिंग सुनिश्चित कर सकता है।